Hello everyone. Today the gadget that we are going to review is called a panini maker or a griller. इसको griller भी कहते हैं और panini maker भी कहते हैं. आज मैं आपको recipe भी share करूँगी as to how you can use this amazing gadget to make great panini sandwiches, grilled cheese, or even make a steak for your family in this griller. So let's start with the recipes. Another gadget that you will need is this mallet. Which is, I think, with everyone. तो ये चिकन को मैक करने के लिए होगा. So let's start with the recipe. This is my cutting board, as you can see. मेरे पास ये चिकन है, which is boneless chicken breast fillet. मैं इसको मैलेट को यूज करते हुए इसको स्मैक करूंगी ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए. बस इतना करेंगे कि ये टूटे नहीं और इसका टेक्सचर इंटैक्ट रहे. अच्छा, कई लोग जो हैं वो बहुत सी मेहनत करते हैं मैरिनेट बनाने में. मैंने ये एक फिले मैलेट से करके इसको मैरिनेट किया हुआ है. इसका मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. आई हैव टेकन सम गार्लिक चॉप्ड. आई लाइक टू पुट चॉप्ड गार्लिक जस्ट लाइक दिस. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप बहुत टाइम वेस्ट करें खाने बनाने में. ओवर द इयर्स मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि कुकिंग हैज़ टू बी हैसल फ्री. आप जितना कुकिंग को बड़ा प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे आप उससे भागते जाएंगे. एटलीस्ट मेरे तो बच्चे भी हैं एंड आई वर्क फ्रॉम होम. तो मुझे तो बिल्कुल नहीं दिल करता कि आई स्पेंड आवर्स एंड आवर्स, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें बहुत फास्ट हों और मैं जल्दी से कुक करके टेस्टी चीज़ें खिलाती हूँ. मेरे पास एक स्मोकी बारबेक्यू सॉस है. आई एम यूजिंग दिस. इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें मस्टर्ड वगैरह और बाकी सब कुछ है. सो मोलासेस है जो कि आपको सेपरेट नहीं लाना पड़ता. अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस लगाऊंगी. चाहे तो आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी लगा सकते हैं और इसको आप सर्व कर सकते हैं उसके साथ बॉयल्ड या बेक्ड आलूओं के साथ. और ये मेरे पास है बफलो सॉस और मैं बस इसको मैरिनेट करूँगी इस तरह. आई विल लीव इट. रेसिपीज़ बहुत हैं, आप नेट पे देख सकते हैं. मेरा आइडिया सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि हाउ यू कैन ग्रिल दिस इन दिस कैट. लाइक एनी मशीनरी इन योर हाउस आपको इस ये भी उसी तरह वार्म अप करनी पड़ेगी. अच्छा, एक तो ये है कि या तो आप स्टेक्स पे थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं या आप ये कर सकते हैं कि आप स्टेक्स पे डालने की बजाय आप इसके ऊपर ग्रिल के ऊपर डाल सकते हैं. आइदर वे इट्स करेक्ट. देर इज़ नो रॉन्ग वे और राइट वे. वॉट एवर टेम्परेचर यू लाइक, इफ यू वॉन्ट इट टू बी मैक्सिमम देन इट कैन बी मैक्सिमम. इट गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ हैविंग अ स्पीड कंट्रोल. जब तक ये ग्रिल गर्म होगी, इट्स अ हैवी गैजेट ग्रिल. आई थिंक इसका जो आइडिया है वो शायद बाहर जो लोग आउटडोर बारबेक्यू करते थे, अब वो घर में बारबेक्यू, अगर आप जैसा हमारे मुल्क में है तो उनको पसंद है बारबेक्यू और इस तरह, तो स्टेक्स आराम से बना सकते हैं. यू डोंट हैव टू. जो मुझे एक प्रॉब्लम लगती है स्टोव टॉप ग्रिल्स में और इस पिनिनी मेकर में नहीं है, वो ये कि ग्रिल्स थोड़े देर बाद, बेशक वो नॉन स्टिक भी हों, जितनी मर्जी आप महंगी ले लें, दे स्टार्ट गिविंग यू प्रॉब्लम व्हेन यू हैव टू वॉश इट. सो बाय दिस, इन्वेस्ट इन इट. इसमें बहुत आप कोई सा ब्रांड भी खरीद लें. हमारा आइडिया ऑफ दिस चैनल के एक ए ब्रांड इज़ नॉट गुड. दे आर चाइनीज वर्जन्स विच आर कमिंग. दे आर चाइनीज वर्जन्स विच आर कमिंग. वट एवर ब्रांड यू लाइक, वेदर यू लाइक टू बाय अ क्वालिटी ब्रांड और यू लाइक टू बाय अ चाइनीज ब्रांड, तो वो आप खरीदें और इस्तेमाल कीजिए. और ये जब हॉट होएगा कल काम में. हेलो, सो वी आर बैक. हमने देखा है ग्रीन हो गई है, नाउ इट्स हॉट, ये इंडिकेट कर रहा है. सो हैव टू बी केयरफुल व्हेन ऑपरेटिंग दिस ग्रिल. मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा अपना हाथ ही दिखाया है. सो नाउ आई बी वेरी केयरफुल.
ऐसे अगर आप चाहें तो ऑयल डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते और ना डालें आपकी मर्जी है। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज टू हाउ यू गोइंग टू इट, इट्स नॉन स्टिक एनीवेज, तो ये चिपकेगा नहीं ऐसे। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि इसको दोनों तरफ से ग्रिल कर दूँ विदाउट पुटिंग टू मच टाइम। आई क्लोज दिस। जैसे ही मैंने क्लोज़ किया ग्रीन लाइट ऑफ हो गई है। अब जब तक ये ग्रीन लाइट दोबारा ऑन नहीं होगी मेरा खाना नहीं बनेगा और मैं चेक करूँगी वेदर द फूड हैज बीन कुक्ड और नॉट। सो विल कम बैक आफ्टर दिस। सो नाउ इट्स बीन सम वाइल, आप खुद देख लीजिए कि कितनी मिनट्स आपने लगाना है। 5 मिनट्स हैव पास्ड बाय और मेरा ये स्टेक इज रेडी। इस ग्रिल से मैं इसको रिमूव कर दूंगी। इफ आई वॉन्ट मोर ब्राउन और व्हाटएवर देन आई कैन पुट इट मोर। दिस इज कम्प्लीटली कुक्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर आप देखिए इसमें वो मार्क्स भी आ गए हैं। सो दिस इज वन रेसिपी फॉर योर स्टेक्स। इसको स्टेक सॉस के साथ खाइए या आप इसको पनीनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू इट बाई यूजिंग दिस गैजेट। गैजेट की क्लीनिंग भी बहुत आसान है क्योंकि नॉन स्टिक है। इट कैन ईजली बी क्लीन्ड बाई एनी क्लॉथ विदाउट एनी हैसल। जैसे कि मैं आपके सामने इसको क्लीन कर रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली क्लीन्ड। इसमें मेरे पास दो तरह के पनीनी मेकर्स हैं, एक जो है वो नॉन स्टिक के साथ है और दूसरा मेरे पास सिरेमिक प्लेट्स के साथ है। एम्फेसिस ये है कि ये ग्रिल इज़ अ गुड थिंग टू हैव। एम्फेसिस नॉट ऑन द ब्रांड, आप कोई सा भी चाइनीज ब्रांड यूज कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं घर में। बच्चों को ग्रिल चीज़ ही बना कर दे सकते हैं, ग्रिल चीज़ सैंडविचेस। सो मेरा जो ये खाना है इट इज़ रेडी। दीज आर द स्टेक्स। इसके साथ आप बॉयल्ड या मैश पोटेटो दे दें या कोई भी वेजीज बना लीजिए, वो भी इसमें ग्रिल कर लीजिए और इसके साथ आप स्टेक सॉस दीजिए। सो दिस इज़ वन रेसिपी। आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट दिस रेसिपी इनटू योर पनीर। सो आवर स्टेक वाज रेडी। आप देख सकते हैं इट्स कुक थ्रू फॉर ओनली जस्ट 5 मिनट्स टू मैरिनेट एंड बेक इट। अब मैं क्या करूँगी, आई विल टेक फोर्क एंड आई विल टेक अ नाइफ एंड जस्ट कट इट थ्रू अलोंग द लाइन्स टू मेक अ पनीनी। इसके लिए मुझे ये वाले बंस चाहिए। अगर आप पनीनी बंस मिल रहे हैं आपको तो गुड ना, वरना ये लंबे वाले बंस लीजिए। इसके अलावा ये मैं कर लूँगी श्रेड। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है, इस गैजेट के अंदर आपको कैप्सिकम, यू कैन इवन ऐड टोमेटोस और वट एवर यू लाइक इन योर पनीनी। एंड आई विल यूज दिस गैजेट। पहले मैंने इसको गार्लिक के लिए यूज़ किया था इन द फर्स्ट रेसिपी और अब मैं इसको यूज करूंगी फॉर मेकिंग दिस व्हिच इज दिस वन। ये मेरा हो गया आपका व्हाट यू कॉल दिस कैप्सिकम। इसको मैंने इस तरह कर लिया है और मैं साथ चीज लेके आऊंगी। सो आई ब्रॉट माय चीज एज वेल। आई हैव चिकन विद मी, आई हैव द बर्गर बंस व्हिच आर लॉन्ग वंस और मैं अब आपको इसी ग्रिलर से सिखाऊंगी कि अभी ये हॉट ही है बिकॉज मैं रेसिपी कंटिन्यूएशन के साथ ही इसको यूज करा रही हूँ। सो दिस इज माई ग्रिल विच इज क्लीन्ड। अब मैं क्या करूँगी, आई विल जस्ट टेक अ पैन एंड आई विल कट इट थ्रू टिल इट वार्म्स अप। इस पैन के अंदर आई विल लेयर इट विद चिकन। कई लोगों को ज़्यादा चिकन पसंद होता है। इफ़ यू वॉन्ट वेरी स्मॉल बिट्स एंड पीसेस तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप थोड़ा कैप्सिकम डालें, चीज़ को आपने पसंद करके डाल दिया, इसके ऊपर आपने ये पैन रखा। अब आपका ये पैन इज रेडी। आई पुट इट साइड। I'll bring the gadget in the middle. I will open the gadget
हेयर इज माय पिनियन। अब मैं इस पिनियन को जब तक ये थोड़ा बैठ नहीं जाएगा, क्योंकि बर्गर इज गोइंग टू टेक सम टाइम, जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा ये वार्म होता जाएगा, इट विल गो डाउन। सो इन द एंड आई विल शो यू हाउ द पिनियन इज कम। 2-3 मिनट्स इन द ग्रिल, गो, योर पिनियन इज रेडी। वैसे तो इसका नॉन स्टिक यूज करना चाहिए, लेकिन मुझे वो अभी मिल नहीं रहा था। सो गो, योर पिनियन इज रेडी। स्टेक्स खाने हैं तो स्टेक्स खाइए, और अगर आपने पिनियन ही खानी है तो आप पिनियन खाइए। सो दिस इज योर पिनियन। आई शोड यू स्टेक्स, आई शोड यू पिनियन। हैप्पी कुकिंग, हैप्पी ईटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और अगर आप उन्हें कोई सजेशंस हैं तो वो भी बताइए, और अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड टाइम।